दोस्तों, अभी के समय में ज्यादातर यूथ अपनी फिटनेस पे काफी ध्यान दे रही है। यही कारण है कि वो इसके लिए योगा और जिम जैसी जगहों पे जाकर अपनी बॉडी को फिट बना रहे हैं, जहाँ पे वो तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बॉडी को मजबूत बनाते हैं, जिसमें पुशअप्स, रनिंग और बाकी एक्सरसाइज भी शामिल हैं। हर किसी को एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, चाहे फिर वो घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर। योगा के समय करने वाले एक्सरसाइज से तो बहुत कम नुकसान होता है, जिनसे बहुत कम चोटें लगती हैं। पर जिम में करने वाली एक्सरसाइज को करते वक्त आपको काफी ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस समय आपसे भारी चीजें उठवाई जाती हैं, वेट लिफ्टिंग और कई ऐसी चीज करवाई जाती है जो आपकी बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। लेकिन इसी समय आपको सबसे ज्यादा चोट भी लगती है, और जो मामला सबसे ज्यादा आता है वो होता है मसल टियर, यानी कि मांसपेशियों के फटने का। जिम में एक्सरसाइज करते समय सबसे ज्यादा मांसपेशियों के फटने की खबरें आती हैं, और जिस एक्सरसाइज के करने में सबसे ज्यादा मांसपेशियां फटती हैं वो है बेंच प्रेस। जो लोग जिम जाते होंगे उन्हें बेंच प्रेस के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं जाते उन्हें बता दें कि बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एक आदमी बेंच पर लेटता है और उसके ऊपर काफी हेवी वेट वाली प्लेट लगी होती है, जिसे उठाकर वो अपनी छाती से ऊपर ले जाता है और नीचे लाता है, जिसके बाद उस रॉड को वो उसकी जगह पर वापस रख देता है, और इस पूरे एक्सरसाइज को बेंच प्रेस कहा जाता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये एक्सरसाइज देखने में जितनी ज्यादा आसान आपको लग रही है, ये उतनी ही मुश्किल है। इसी एक्सरसाइज के दौरान कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है, इस एक्सरसाइज ने कई लोगों की जान ली है। वहीं कई लोग इससे बच भी चुके हैं और कुछ समय बाद जल्दी से रिकवर भी कर चुके हैं। इन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक नाम है रायन क्रॉले का, जो अपने जिम में बेंच प्रेस मारने के लिए बिल्कुल रेडी थे, जिसके बाद इन्होंने इस बेंच पे लेटकर बेंच प्रेस मारना शुरू किया। पर तभी इनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर गए। आपको बता दें कि ये यूएस के एक बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर हैं, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। इनके बारे में हम आपको आगे कुछ बताएं, उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखकर तो आप डर ही गए होंगे, लेकिन जिसके साथ ये हुआ वो उस समय बहुत ज्यादा दर्द में था। कहा जाता है कि ये वीडियो पिछले साल 2021 में 18 से 22 मार्च के बीच की है। जब ये सोशल मीडिया पे आया तो इसे देखकर कई लोग वाकई में डर गए, तो कईयों ने इस बॉडी बिल्डर के साथ दुख भी जताया। लेकिन साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि इसमें गलती किसकी थी, उस बॉडी बिल्डर की या फिर किसी और चीज की। तो आपको बताएं, जब रायन क्रॉली बेंच प्रेस मार रहे थे तो वो 220 पाउंड का वेट उठा रहे थे, और तभी उनके चेस्ट के ऊपर नॉर्मल से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मांसपेशियों में टियर हो गया, यानी कि उनकी मांसपेशियां फट गईं। आपको बता दें कि मांसपेशियों का फटना इतना ज्यादा घातक होता है कि वो एक नॉर्मल सर्जरी से पैरालिसिस में भी तब्दील हो जाता है, यानी कि आपको जीवन भर के लिए बेड पर बिठा सकता है। हालांकि इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब इनकी मांसपेशियों में टियर हुआ तो इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि क्या ये दोबारा ठीक हो पाएंगे या नहीं, ये दोबारा बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में वापस आ पाएंगे या नहीं, जिसके बाद इनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और कुछ ही महीने बाद इनकी बॉडी भी रिकवर करने लगे। खैर, जो भी हुआ अब उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर अंत भला तो सब भला। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर मसल टियर होता क्यों है, इसके क्या कारण है। तो आपको बता दें कि ये दो तरीके से होता है। पहले तरीके में बता दें कि दरअसल हमारी बॉडी मांसपेशियों से बनी हुई है, और हम ये जानते हैं कि इसमें हद से ज्यादा प्रेशर दर्द के कारण बन जाता है। हालांकि अगर हम हद से ज्यादा प्रेशर अपनी बॉडी पे डालते हैं तो मांसपेशियों के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, जिसके कारण मांसपेशियां फटने लगते हैं। वहीं दूसरे कारण की बात करें तो ये भी मांसपेशियों की वजह से ही होता है। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, पर आप हद से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों पे क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं, और कुछ समय बाद ये मसल टियर का कारण भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के दौरान या फिर जिम के दौरान ही होता है। दरअसल और कई खेलों में भी, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और ऐसे कई खेल हैं जिसके दौरान मांसपेशियां फट जाते हैं, इसीलिए खिलाड़ी खेलते समय मसल टियर का बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे बेंच प्रेस को एक शक्तिशाली व्यायाम माना जाता है, जो मांसपेशियों के निर्माण में आपकी मदद करता है। ये ऊपरी शरीर के लिए बहुत प्रभावी है, जो मुख्य रूप से मजबूत और परिभाषित छाती, ट्राइसेप्स और कंधे की मांसपेशियों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। चाहे आप एक सामान्य व्यक्ति हो या बॉडी बिल्डर हो, बेंच प्रेस आपके परफॉर्मेंस और मांसपेशियों की परिभाषा में सुधार के लिए फायदेमंद है। यही कारण है कि इस अभ्यास का फिटनेस की दुनिया में एक विशेष स्थान है। बेंच प्रेस न केवल एक विशाल छाती बनाने में मदद करता है, बल्कि इसके कई फायदे भी हैं। वहीं इसके कई नुकसान भी हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण मांसपेशियों में दर्द या मसल्स में पेन की परेशानी से सबको एक न एक दिन जूझना ही पड़ता है। जब मांसपेशियों को उनकी क्षमता के मुकाबले कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तो इसका परिणाम दर्द हो सकता है। दर्द ऐसा कि आपके दैनिक कामों में बाधा डाल सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।